तो आज से 3 दिन रह गए हैं वॉर जोन को रिलीज होने में, क्योंकि आज 17 है और आज 3 दिन, बीच में चौथे दिन आपको रिलीज होता हुआ दिख जाएगा वॉर जोन मोबाइल, बट एक दिक्कत के साथ, ऑप्टिमाइजेशन, जो कि मैं पहले भी कह रहा हूँ वॉर जोन अभी ऑप्टिमाइज नहीं है। किसके लिए? हमारे एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए। कितना ऑप्टिमाइज नहीं है? बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है। उदाहरण के लिए गेम प्ले देखो, और सबसे बड़ी बात, वॉर जोन ने ना सिस्टम रिक्वायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ 4 GB रैम और एंड्रॉयड का जो GPU होता है वो 618 लिख रखा है। इसका मतलब ये गेम ना किसी के प्रोसेसर या रैम पर डिपेंड नहीं है। अगर आपके फ़ोन में मिनिमम 4 GB भी रैम है ना, तब भी फ़ोन में चल जाएगा, बट ये डिपेंड है प्रोसेसर पर नहीं, GPU पर, यानी प्रोसेसर में जो GPU डलता है ना, GPU नाम का एक चीज़ होता है, वो उस पर डिपेंड करता है, और जितना अच्छा GPU उतना अच्छा इसका परफॉर्मेंस। इसलिए आपने देखा होगा जो एप्पल के डिवाइस हैं उनमें ये मक्खन चल रहा है, और जो बड़े वाले फ़ोन हैं लाइक A17 Pro वाली जिनके पास चिप है, M1 M2 वाली चिप है, उन पर तो पीक ग्राफिक्स पर अनलॉक है। क्यों? क्योंकि भाई वो गेम के लिए ना एकदम स्टेबल FPS निकाल के देख सकने वाली चिप्स हैं, और हम जानते हैं कि एप्पल की चिप्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, बट ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये एंड्रॉयड डिवाइस उतने ज़्यादा ऑप्टिमाइज अभी नहीं है। फिलहाल आप अगर देखोगे तो बहुत महंगे महंगे जो फ़ोन हैं लाइक 70,000, 80,000, 19,000, उन पे अभी पीक ग्राफिक्स अभी भी एनेबल नहीं है, वहाँ पर भी सिर्फ हाई ग्राफिक्स एनेबल है। ठीक है, जहाँ पर आपको 60 FPS देखने को मिलते हैं, और अगर आप अनकैप्ड यूज़ कर लेते हो तो भाई साहब आपको देखने को मिलता है एकदम अल्ट्रा लेवल का हीट, और उसके बाद भी आपको ना 60 FPS कॉन्स्टेंट नहीं देखने को मिलते, कभी 60 से ज़्यादा मिल जाएंगे, कभी 60 से कम मिल जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम अभी भी स्टिल के स्टिल है। और अब बात करते हैं कि भाई ये एक्चुअली ऑप्टिमाइज कब होगा, तो हमको पता है देखो, जब कॉल ऑफ ड्यूटी लॉन्च हुआ था मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जब लॉन्च हुआ था उस समय वो भी ऑप्टिमाइज नहीं था, बट समय के साथ साथ ना चीज़ें ऑप्टिमाइज होती चली जाती है, अपडेट आते चले जाते हैं, लोगों के पास फ़ोन बेटर होते चले जाते हैं शायद इस वजह से, तो चीज़ें धीरे धीरे सुधरती चली जाती हैं। वही हुआ BGMI के साथ, पबजी मोबाइल के साथ भी, क्योंकि हमको एक समय पर याद है हम ऐसे फ़ोन लेते थे जिसमें 60 FPS कॉन्स्टेंट मिले, मतलब लोगों ने इतने पावरफुल फ़ोन बनाना चालू कर दिया कंपनीज ने कि हाँ वो फ़ोन में BGMI में 60 FPS निकाल के दे सके हम लोगों को। और अब एक और चीज़ हो जाएगी, जो लोग भी FPS मीटर लगा के आपको BGMI चला के दिखाते हैं ना, अब वो लोग यूज़ करेंगे वॉरजोन मोबाइल को, कि किसका प्रोसेसर कितना ज़्यादा पावरफुल है वो बताएगा अपना वॉरजोन मोबाइल, लाइक जेनसिस इम्पैक्ट आपने गेम का नाम सुना हो, तो ये फ़ोन को ना उसकी औकात दिखाने के लिए काफ़ी है, इसको एप्पल के डिवाइस में काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, बट एंड्रॉयड में उतना अच्छा नहीं चल पाता है। और अब वॉरजोन भी अब एक ही उसी कैटेगरी का गेम है जहाँ पे ना ये सब गेमों को या फ़ोनों को सबकी औकात दिखाने के लिए ही यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे आपको FPS मीटर चलता हुआ नज़र आएगा और इसके FPS गिरते हुए बढ़ते हुए नज़र आएंगे, और समय के साथ 1-2 साल में ये फ़ोन के लिए इतना ज़्यादा अच्छा ऑप्टिमाइज हो जाएगा कि भाई आप सोच नहीं सकते, बट कुछ महीने तो आपको इस गेम के साथ ऐसे ही टिकाने पड़ेंगे जहाँ पे आपको मिनिमम FPS मिलेंगे, जहाँ पे लैग मिलेगा, मिनिमम ग्राफिक्स मिलेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अभी के समय, बट ये धीरे धीरे करके सुधर जाएंगी। बट 4 दिन बाद लॉन्च है और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि भाई साहब हम खेलें ऑफिशियल विदाउट VPN, वैसे अभी भी विदाउट VPN ही चला रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट वॉरजोन को ओपन करने के लिए ना VPN लगता है, और मुझे ना VPN लगाना नहीं है इसको ओपन करने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे फ़ोन के लिए थोड़ा और अच्छा ऑप्टिमाइज हो जाए। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक ले, टेक केयर, गुड बाय, टाटा।